अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो कल का व्लॉग एंड करने के बाद मैंने दूसरा व्लॉग फिर से शुरू कर दिया है। तो अभी मैंने अदरक लहसुन पीस के रख दिया है और उज़्मा भी आने वाली है, रास्ते में ही होगी। तो वो हमेशा रास्ते में आते समय पे ना कुछ बाहर का चटर पटर लेके ही आती है, कितना भी उसको मना करो। मतलब वो मोमोज की थोड़ी शौकीन है ना, तो इसलिए तो आज मैंने उसके बाबा को बोला कि मोमोज वगैरह मत लाना, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है वो जो रेडीमेड पैकेट वाला जो क्या है वो पेटीज और वो पटाटो फ्राइज क्या वो बाइट गार्लिक पटाटो बाइट्स वो सब मैंने जो कल मंगाया था, तो वो थोड़ा सा ट्राई करूंगी। क्योंकि एक बार आता ना फर्स्ट टाइम ही थोड़ा दिल भर के खाया जाता है, उसके बाद वो फ्रिज में पड़ा हुआ रहता है, कभी निकला तो निकला, 6-7 दिन में ऐसा रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन घर में रहना अच्छी बात है, कभी मेहमान वगैरह आया ना तो थोड़ा सर्व करने भी अच्छा लगता है। वैसे तो 4 महीने से आप लोगों को पता है मैं डीमार्ट गई ही नहीं ग्रोफर से, मतलब डीमार्ट जाती हूँ स्पेशल ये सब प्राइस वगैरह लाने के लिए, और मेरा ज़्यादातर जो ग्रोसरी होता है वो ग्रोफर से आता है। तो लेकिन दोनों भी तरफ से मैं 3 महीना हो गए यहाँ पे जब से आई हूँ। हाँ, एक बार मैंने ग्रोसरी हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक ही बार शेयर किया जैसे मैं घर में आई हूँ, 3 महीना हो गया मुझको यहाँ के, मैंने एक ही बार ग्रोसरी हॉल शेयर किया आप लोगों के साथ। उज़्मा आई है कि पानी आया? पानी आया है। तो पानी आ गया है, तो चलिए खैर अभी पानी तेल गरम करने चढ़ाती हूँ, पहले इसको अंदर ही रखती हूँ, नहीं तो ये बाहर ना बहुत ज्यादा नरम हो जाता है ना, तो खाने का मजा नहीं आता है। तो पहले स्माइली करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी का स्माइली देख के जरा अच्छा लगेगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाया, देखते ही बनाने के बाद उज़्मा को कैसा लगता है। ये सब देख के ना मुझ में भी थोड़ा सी बचपना आ जाता है। हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी ये सब ऊपर की चीजों खाने में शौकीन थी पहले बचपन में, नहीं शादी के एक दिन पहले तक के मेरे को है ना वो फ्रूटी वो बाहर की चीजें वो 1 रुपए का मैसूर पाक ये सब चीजें ना बहुत पसंद थी, नली का पैकेट 1 रुपए का नली का पैकेट। लेकिन जैसे ही शादी हो गई ना, बच्चा तो बाद में हुआ, शादी होते साथ ही धीरे धीरे पता नहीं मेरे जिंदगी से ये छोटी छोटी चटर पटर कहाँ गायब हुई। फिर उज़्मा होने के बाद जब वो कोई कैंडी खाने लगी, कोई चीजें खाने लगी जैसे, समझ रहे हो, तो धीरे धीरे वापस वो चीज याद आने लगी मुझे। हाँ, मुझे भी कितना मजा आता है इस चीजों में, रियलाइज होने लग गया वापस से, जो चीज कुछ सालों के लिए भूल गए थे, माइंड से निकल गई थी। ऐसा इसलिए तो आज की हालत है मेरी, ऐसा हो गई हूँ मैं हप्पू सिंह। मैं क्लियरली बोलती हूँ आप लोगों को, सच में मेरा वेट गेन हो गया है, मैं मोटी हो गई हूँ, उसमें कोई शर्म की बात है, तकलीफ की बात है कि मोटापे से हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, ये तो बात हकीकत है। लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत खा लेंगे यार, बाद में देख लेंगे, थोड़ा सेहत का भी ख्याल रख लेंगे, बस आप लोग रोज रोज करते हैं सब चीज। हाँ, मेरे केस में अभी आजकल आप लोग बोल सकते हैं रोज रोज, क्योंकि उज़्मा जब से ये घर पे आई है ना, उसको मोमोज और वड़ा पाव कुछ ज्यादा हो गया, तो उसके चक्कर में हमारा भी ज्यादा हो गया। आई उज़्मा, अरे बाप रे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो, सलाम करो, इधर इधर इधर, देखो वापस करो, वापस करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तेरे लिए सरप्राइज है आज मेरे लिए, बस स्माइली बना रहा हूँ मैं, स्माइली देखते हैं तुमको अच्छा लगता है कि नहीं। ये अच्छी स्माइली, स्माइली तो टूट गया, अक्का स्माइली, ये स्माइली टूट गया, गिर गया फिर से, ये देखिए ये तो टूटा हुआ निकला, ये देखिए अक्का निकला और ये भी अक्का निकला, तो ऐसा हटो बेटा मैं, अब रुको इसको फ्राई करना पड़ेगा, टेस्ट बाद में करो, पहले फ्राई करने दो। तो गरम गरम तेल में इसको ऐड करना, पहले ये टूटा हुआ डाल के देखती हूँ। हाँ, गरम हो गया तेल, मैगी 2 मिनट में रेडी, लेकिन कभी नहीं हुई मेरे से।
ये लाते लाते ना रास्ते में इन लोग से ना ये नरम हो जाता पैकेट, और उसके बाद है ना कुछ चीजें टूट जाती, कुछ चीजें नहीं कुछ ज्यादा ही टूट जाता है। अभी ये मैंने पटाटो गार्लिक पटाटो बाइट्स भी खोला, वो भी आधे से ज्यादा टूटा हुआ दिख रहा है मेरे अंदर। पैकेट में सही में टूटा हुआ देख सकते, आधे से ज्यादा टूटा हुआ है लाने के समय में ही, रखे के बहुत कम है। ये है चिल्ली चीज नगेट्स, अरे यार केचप का हो गया, केचप को ऑर्डर देना चाहिए था मुझे, केचप नहीं ऑर्डर करी मैं। वैसे तो पाउच वाले केचप मेरे घर में बहुत सारे पड़े हुए, जो बाहर से बर्गर वर्गर लाके खाते हैं, पिज्जा विज्जा लाके खाते हैं, लेकिन किसान के केचप की बात ही कुछ और होती है। टूटी तो थे पापा बोला मना दिया तो तुमने तो गरम है, लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज के जैसे ही टेस्ट आ रहा है, स्माइली कर रहे हो मां। उसमा ले, हाँ पहले इसमें से खा के बताओ कौन सा अच्छा है, तो मैं वापस से वही चीज फ्राई करूंगी। चल जल्दी खा, मैं तो ये खा रही हूँ, आओ खाओ। पर मैं ये गड़े में तो कैसे खाऊंगी, टेस्ट करूंगी पहले, ट्राई कर कौन सा अच्छा है, मैं वापस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कम कम बनाया सब, पर बहुत ही गर्म बनाओ, बहुत मैं फूक के देती हूँ ये वाला। अबे जा, गंदगी नहीं है, पका हुआ है वो, ऐसे करते बैठेगी तो हो गया, तू खुद ही साफ करो, खुद ही खा भाग। मच्छी थोड़ी साफ करने गया वो, अच्छा वो चीज़ी पटाटो भाई, गार्लिक पटाटो भाई, गार्लिक का पटाटो का फीलिंग ज्यादा आ रहा है। एक साथ ज्यादा मत खाना, मैं तो पेट गड़बड़ वापिस हो सकता है क्योंकि सब आलू है, और मेरा पेट तो वैसे ही गड़बड़ है, लेकिन मेरे को चुल मची थी। हेलो मां, हेलो गाइस, जाओ गाइस, अरे स्त्री वाले को बुलाओ ना, कितने कपड़े जमा हो गए, मैं पकड़ूंगी, हां मैं पकड़ने वाले, मैं पूरा पकड़ूंगी, अरे आराम से है, हां नया ड्राइव वो है मेरा, हां तुम छोड़ो ना, मैं पकड़ूंगी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, तेरा चेहरा दिखना चाहिए उसमें, ऐसा आराम से ऐसा वो तुम्हारे कर दे, मेरा मतलब गया। हेलो यो, हाँ ठीक है, आजा आजा यो यो, हाँ गाइस कैसे आप सब, ये देखो ये इसको करने का व्लॉगिंग, ये बात कर बोल, हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उसका फोन उठेगा अम्मी का, हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, फोन गिरा ना मेरा, मैं ऐसा रखो ऐसा गिर जाए तो अम्मी तुमको तोड़ देगी मालूम ना, तब तो क्या करिए व्लॉगिंग। तो चलिए हम लेकर आते हैं चाय, ओ भाई मेरी चाय नहीं गिरी, बची गई है, देख सकते हैं ये उबल रही है, ठीक है तो ऐसा है, चाय वाय पी लेती हूँ, आराम से भी बनाऊंगी मैं आलू मटर चावल, यानी कि डिनर में हम लोग खाने वाले मटर राइस।
होता है साहा। ए एक छोटा चलकर आई है। क्या कर रही? एक छोटा चलकर आई है। ये किसका कंप्लेंट है? ये चौक का डब्बा निकाल के किसने दिया इसको? बाहर खुद निकाल, मारो इसको, मारो बम्बू तो बम्बू। अच्छा मेरा ब्लूटूथ से अभी भी कनेक्ट है क्या ये? हाँ कनेक्ट है, अभी आवाज आती है लेकिन आवाज आगे पीछे आती है, फिर वो एडिटिंग में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा कर दीजिए प्लीज कृपया करके। हाँ इसको डब्बे में डाल देती ना डायरेक्टली, एडिटिंग में बहुत तकलीफ होती है। अगर ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा ना तो एडिटिंग में आप लोग प्लीज आशीर्वाद कीजिए। होमवर्क लिख ले तू अपना, एक काम कर, इतना तेरे को लिखने का शौक आया है तो पार्टी पे। क्यों नाच रही थी? गाने में गाना लगा तो नाच रही थी। तुम पहले बैठो, करने बैठे ना। ये लड़की कुछ नहीं खाती, जो अगर अपन कुछ घर का अच्छे से बना के दो या कुछ अपनी मर्जी से दो नहीं खाती। मुझे नहीं खाना था फिर भी मैंने खाया, मैं थोड़ी देर बाद खाना चाहती थी। अच्छा सुनो अभी, उसमें तुमको नूडल कैसा लगता है? नूडल और मैगी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ। मोमोज कैसा लगता है? वो भी अच्छा लगता है। वड़ा पाव कैसा? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो तेज लगता है लेकिन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। बिरयानी कैसी लगती है? बिरयानी भी अच्छी लगती है। अच्छा क्या नहीं लगता है? ये सब खाना जो तुम खिलाते रहते हो। मैं क्या खिलाती रहती हूँ? मैं क्या खिलाती रहती हूँ? जो तुम लोग खाते हो वो सब खिलाते रहते हो। भाजी रोटी, भाजी रोटी कैसी लगती है? वो तो बिल्कुल कड़वी रहती है। और दाल चावल कैसा रहता है? वो बिल्कुल फीका रहता है लेकिन अच्छा लगता है। मुर्गी का सालन कैसा लगता है? मुर्गी का सालन। और अंडे का सालन कैसा लगता है? ना। पनीर मटर कैसा लगता है? पनीर मटर ये ये के ये यस मतलब क्या अच्छा लगता है? नहीं लेचने ये मतलब क्या अच्छा लगता है? ये मतलब अच्छा लगता है। देखे एक एक नाम मैंने पूछी आप लोगों के सामने, कौन कौन सी नगर नारायणी को चीजें पसंद है। अच्छा खिचड़ी कैसी लगती है? खिचड़ी ये मतलब अच्छी लगती है ये ना ठीक ही। और ये जो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर चावल वो भी अच्छे नहीं हा? वो भी अच्छे ये तो अभी फेंकने लगी। मटर चावल तो तुम शौक से खाते हो, हटाने वाला चावल? वटाने वाले चावल ऐसा बोलती ना वो, वटाने वाले चावल। तो आज वटाने वाले चावल बन रहे हैं घर में। ऐसा आज का ब्लॉग ऐसा हो गया, पे मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इजीली। अच्छा तो बस मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, हमारा नाश्ता पानी सब हो गया, मस्ती मजाक भी हो गया। तो ये वीडियो को देखकर ये मैं समझना कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो था, ये कुछ किसी का स्पॉन्सर वीडियो नहीं था। मैंने
जेन्युइनली मेरा व्लॉग बनाया, ठीक है। बाद में मुझे एडिटिंग के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि व्लॉग कुछ ऐसा लग रहा है स्पॉन्सर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकेन की तरफ से कोई मैंने प्रमोशन नहीं लिया था, ये जेन्युइनली मैंने बाय किया था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा व्लॉग, नो प्रोडक्ट प्रमोशन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है मटर पुलाव रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक ऊपर आ रही होगी, आप लोग वॉच कर सकते हैं। बस ये रेडी हो चुका है, खुले खुले चावल माशाल्लाह से अच्छे से खुशबू आ रही थी। अब जा रही हूँ मैं मजमा को खाना खिलाने के लिए। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।